जग सा फिरे आना तुझ सा कोई पावा। ये सॉन्ग मेरा फेवरेट है यार। आज हाँ चार प्रोडक्ट्स यूज करता हूँ बट एक उसको बोलते हैं ना गोकू आर यू फिनिश, जब उस टाइम उसकी एंट्री होती है भाई, यहाँ जब इसकी एंट्री होती है ना मेरे, ये देख हियर इट कम्स। Assalamualaikum, welcome back with another vlog. आज इस vlog में आप लोगों के सारे questions का answer दूंगा। मैंने कल एक post की थी कि यार मुझसे questions करो, और मैंने आप लोगों को बोला था यार कि अच्छे-अच्छे questions करो। वो सारे लोगों ने अच्छे-अच्छे questions किए थे, कुछ लोगों ने तो मुझे नाम याद है आप सब लोगों के यार अच्छे से, आप लोगों ने कैसे कैसे questions किए थे, मुझे सच में कल बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी यार। और questions कैसे थे वो मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगा। मैं अभी अभी फ्रेश होकर बाहर निकला हूँ, ये अभी towel सूख रहे, ये सूख रहे, पता नहीं कैसे इसको ऐसे सुखा देता हूँ। से लास्ट तक पूरी वीडियो वॉच करनी है, अगर चैनल पर न्यू अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, कुछ भी कर दो, ताकि मेरी नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आगे बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाली है तो आप लोगों ने मिस नहीं करनी है। यार जैकेट देखो किधर पहन की, ये मोबाइल ऊपर से सिल्वर प्ले बटन को भी मैंने साफ नहीं किया यार, धूल मट्टी है यार इस पे। मैं जैकेट वैकेट भी पहन लेता हूँ। मैंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, सुबह से नहीं बल्कि 12 बजे से मैंने कुछ नहीं खाया। अभी 7 बज रहे यार, मैंने 12 बजे से नहीं खाया, कुछ 7 घंटे हो गए। मैं कुछ खा लेता हूँ, अभी फ्रिज में देखता हूँ क्या पड़ा हुआ है, कुछ है ही नहीं यार। ये क्या बात है, अच्छा ये टमाटर है, अच्छा इसमें क्या है, दूध, ये बम में पता नहीं क्या है, इससे मुझे बड़ा डर लगता है यार सच में। यार ये तो खुल ही नहीं रहा, समझ नहीं आ रहा क्यों नहीं खुल रहा, नहीं क्या हुआ है समझ नहीं आ रहा। इसमें देखता हूँ क्या, ओ चावल है, चावल प्लेट उठा लेता हूँ। ये चीज थोड़ा बहुत ही कुछ खा लेता हूँ यार, थोड़ा बहुत खा लूँ काफी है बस। यार अभी जाके मैं आप लोगों के क्वेश्चंस का आंसर देता हूँ। अब मैं आप लोगों के क्वेश्चंस का आंसर देता हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं किसका है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है नजीर का है, व्हाट्स योर फेवरेट के-पॉप ग्रुप। यार मेरा फेवरेट जो के-पॉप ग्रुप है वो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पता नहीं कितने हैं यार। जैसे कि पहला है ब्लैक पिंक, स्ट्रे किड्स, ATEEZ, और फोर्थ पे BTS, और फिर उसके बाद TXT, लाइक बहुत सारे। सेकंड क्वेश्चन जो वो है सोनिया, मिस सोनिया, तैमूर आप देर वाली वीडियो कब बनाओगे, ये मेरा क्वेश्चन है। यार मैं डेयर वाली वीडियो जो आप मैंने आप लोगों को बोला था ना कि आप लोग मुझे डेयर दो, तो बहुत सारे लोगों ने डेयर दिए थे, तो वो वाली वीडियो मैंने कुछ डेयर्स चूज किए, तो मैं वो करूँगा यार, वो डेयर कंप्लीट करूँगा और वो वीडियो बहुत जल्द आएगी। तो आप लोगों ने यार चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि वो वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है, वो है सईदा शेख 106, व्हाट्स योर ड्रीम टू बिकम एंड व्हाट्स योर फेवरेट सॉन्ग। तो यार मेरा ड्रीम ये है यार, क्या बताऊँ, मेरा कोई ड्रीम है ही नहीं यार, जैसे चल रही है ज़िंदगी वही मतलब गुजार रहा हूँ, और मींस मेरा बस सिर्फ यही गोल है यार, मींस माँ बाप को खुश रखूँ और अच्छे से उनको कमा के खिलाऊँ, बस यही मेरा ख्वाब है, बाकी कुछ भी नहीं है यार। और फेवरेट सॉन्ग जो है यार, रुको मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, मेरा फेवरेट जो सॉन्ग है वो ये मित्रास का अखियाँ। ये सॉन्ग मेरा फेवरेट है यार, आजकल मैं इतना ज्यादा सुन रहा हूँ, बिल्कुल यार बहुत ही अच्छी वाइब्स देता है यार, मॉर्निंग की वाइब्स देता है। आप लोग सुबह के टाइम ये गाना प्ले करो, ओए हो क्या ही बात है यार इस गाने की, सच में इससे मुझे मैं बहुत ज्यादा चिल और बहुत ही सुकून फील करता हूँ, मेरा फेवरेट सॉन्ग है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये हॉबी स्पिरिट का, कि अस्सलाम वालेकुम ब्रदर। वालेकुम सलाम। और मेरा क्वेश्चन ये कि आपकी इस ट्रांसफॉर्मेशन पर आपकी फैमिली फुल सपोर्ट करती है। नहीं यार, मैंने जो क्लीन शेव कराई थी, जो मुझे मतलब डांट वांट पड़ी थी ना, वो मुझे पता है यार कैसे डांटा था उन लोगों ने, ओए सच में बस वो सीन याद नहीं दिलाओ यार, वो जब याद आता है ना तो बहुत मतलब हर्ट होता हूँ यार, वो डांट वांट पड़ी थी कि यार क्या है इतनी सी उम्र में तुम क्लीन शेव करा रहे हो ये वो, तो बस ये सीन हो गया। तो मेरे साथ आगे मैं कैसे बताऊँ, सपोर्ट करती है नहीं करती, अब मैं क्या बोलूँ, बट हाँ अभी कुछ नहीं कहते, अभी तो कुछ नहीं कहते ये लोग, पहले तो बहुत कुछ हुआ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बादर अली का है कि ब्रो कैन यू गो कोरिया एंड मेक वीडियो विद कोरियन पीपल।
यार मैं कोरिया कैसे जाऊं, इधर मेरा एनआईसी नहीं बना, बर्थ सर्टिफिकेट में मेरी 14 की एज लिखी है, 14 से 15 एज है मेरी, बर्थ सर्टिफिकेट में मेरा एनआईसी नहीं बना, 3 से 4 साल बाद एनआईसी बनेगा मेरा, तो यार कोरिया कैसे जाऊंगा, मेरा वीज़ा वीज़ा कैसे लगेगा, आप खुद सोचो यार। अब अगर मैं कोरिया से इधर आया होता तो फिर सही है, फिर वापस चला जाता अपने मुल्क, पर मैं पाकिस्तानी हूँ यार, कैसे जाऊँ समझ नहीं आता। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है अशफिया समरोज का, आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं? मेरी जो फैमिली में मेंबर्स है वो है 9th। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यार, इसका तो नाम मुझे समझ नहीं आ रहा, बट क्वेश्चन ये है, व्हाट्स योर 10th रिजल्ट, प्लीज रिप्लाई दैट। यार 10th का तो नहीं आया था क्योंकि यार कोरोना में प्रमोट कर दिया था हम सबको, बट 9th का तो मैं नहीं बता सकता यार। 9th का रिजल्ट जो था ना मेरे अंदाजे से बिल्कुल अच्छा आया था, बट घर वालों के अंदाजे से बिल्कुल बेकार था, बिल्कुल बेकार, तो बस यही हाल था। और मैट्रिक में मुझे, मतलब 10th में मुझे प्रमोट कर दिया गया था, मतलब सबको, क्योंकि यार कोरोना था ना तो उन सब में लोगों को प्रमोट कर दिया था, स्टूडेंट्स को प्रमोट कर दिया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सानी नासी का, ये कैसा नाम है, अब का पाकिस्तानी फेवरेट ड्रामा कौन सा है और आपकी फेवरेट एक्ट्रेस और एक्टर कौन है? पाकिस्तानी ड्रामा परीजात जो ड्रामा था वो बेस्ट था यार, सच में मैंने A to Z पूरा 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 ड्रामा देखा था। और एक्ट्रेस कोई नहीं है, एक्टर यार पाकिस्तानी तो नहीं है बट हॉलीवुड का एक्टर है, हेनरी कैवल तो मेरा फेवरेट है यार सच में, सुपरमैन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन वो ये है ब्रो शिवम का, ब्रो व्हाट्स योर एज? मेरी जो एज है 19। कितनी 19? आप सब लोग सुन लो, 19 का हूँ यार मैं, कुछ लोग बोलते हैं 17 का है, कुछ बोलते हैं 16 का है, कुछ बोलते हैं पता नहीं क्या 24 25, नहीं यार मैं 19 का हूँ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यार, इसका फिर से नाम मुझे समझ नहीं आ रहा, बट क्वेश्चन ये है आपकी हाइट कितनी है? मेरी जो हाइट है 6 फिट, पूरे 6 फीट का हूँ मैं। बोल बोल के यार मेरा गला सूख गया, मैं जाके पानी वानी पीता हूँ यार, इनकी बोतल ये रही। नेक्स्ट जो क्वेश्चन, क्या आप किसी को पसंद करते हैं? मैं अपनी फैमिली को पसंद करता हूँ और आप लोगों को पसंद करता हूँ, और मेरी एक फैमिली आप लोग भी हो, पता है एक मेरी फैमिली मम्मा बाबा बहन भाई और एक फैमिली आप लोगों को, तो यार इसके अलावा मुझे किसी की जरूरत नहीं है, बस आप लोगों का सपोर्ट ये मेरे लिए बहुत है यार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अमर, आप कभी कंट्री से बाहर गए हो? ना, मैं कभी भी अपनी कंट्री से बाहर नहीं गया। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, ये तो बहुत लोग करते हैं यार, बहुत ज्यादा लोग करते हैं, कि आपकी जीएफ है? नहीं यार कोई जीएफ शीएफ नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसका नाम तो समझ में नहीं आ रहा, बट ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है यार, इसने मेरा दिल खुश कर लिया, भाई इंडिया कब आओगे? आप मेरे घर आ जाना। थैंक यू सो मच यार, और बहुत अच्छा लगा यार यार ये क्वेश्चन, ये बात सुन के कि आप लोग इतना प्यार करते हो मुझसे, बहुत अच्छा लगा यार, और एक नए दिन जरूर आऊँगा इंडिया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये, हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स यू हैव? तो यार मेरे बहन भाई ये 3 sisters and 4 brothers मुझे मिला के। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो एमडी जोहर का, आई एम जस्ट अराइव ऑन योर चैनल लास्ट 20 मिनट्स, आर यू रियली पाकिस्तानी? जी हाँ मैं पाकिस्तानी हूँ यार। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जैनब मुबशिर का, आपका फुल नेम क्या है? मेरा जो फुल नेम है तैमूर शाह, एज जो मेरी है वो है 19, और लास्ट टाइम इंस्टा में किससे बात की? दोस्त से बात की है। कभी फैन से बात की है? जी हाँ बहुत बार फैन से भी बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन किया हफीज ने यार, गोजू वर्सेस गोकू हू विंस, बोलो। तो यार ये तो बहुत ही, मतलब बहुत बहुत डिफिकल्ट है यार चूज करना इन दोनों में से एक को, दोनों ही सबसे ज्यादा डेंजरस है, तो इन दोनों में से एक को चूज करना बहुत मुश्किल है मेरे लिए, और दोनों ये मेरे फेवरेट है, गोजू और गोकू दोनों, तो यार इन दोनों से मैं एक को नहीं चूज कर सकता, मैं दोनों को बोल सकता हूँ कि हाँ यार दोनों बहुत ज़्यादा डेंजरस भी है, बहुत ज़्यादा पावरफुल भी है, सो यार मैं इन दोनों से किसी को ये नहीं कह सकता, दोनों अपनी जगह सही है, दोनों अपनी जगह, दोनों के पावर्स अपनी अपनी जगह सही है। तो यार अब मैं आप लोगों को एक एडिट्स वगैरह दिखा देता हूँ,
गोकू की ना, जब वो जिरिन उसको मार देता है ना, गोकू को मार देता है, जब गोकू छला जाता है एकदम, फिर उधर से लॉर्ड बीरस, हाँ इसका नाम यही है, लॉर्ड बीरस का नाम मैं भूल गया था, तो जब उसको बोलते हैं ना गोकू आर यू फिनिश, जब उस टाइम उसकी एंट्री होती है भाई, यहाँ जब इसकी एंट्री होती है ना, मेरी सच में रोंगटे खड़ी हो जाती है भाई। ये देख, हियर इट कम्स भाई, कैसे बताओ यार, फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, बट यार ये जो सीन था ना, ये सीन एंड था सच में, ये जो सीन जब गोगू की एंट्री हुई ना यार, मैं बिल्कुल परेशान भाई, मैं शॉक हो गया था, कुछ मिनट्स के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए मैं फ्रीज हो गया था, मेरी बॉडी एकदम फ्रीज हो गई थी, यार क्या हो गया है, मैं ऐसा शॉक हो गया था। ओए यार इसकी एंट्री मतलब खत्म भाई साहब, गोकू गोकू है और गोजू अपनी जगह यार गोकू। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है महक मलिक का कि हाउ मेनी प्रोडक्ट्स डू यू यूज ऑन योर फेस, मैं बताता हूँ बल्कि दिखा देता हूँ यार प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट्स दिखाने से पहले अगर आप लोगों ने ग्रीन टी पीनी है तो आ जाओ। ये हो गए और इधर था एक, ये हो गया, अब आप लोग खुद देखो, ये देखो सब। टोटल प्रोडक्ट्स यूज करता हूँ, एक है फेस वॉश, ये दो हो गए, तीन, और ये टोटल हो गए चार, चार प्रोडक्ट्स यूज करता हूँ। बट एक टाइम पे मैं कितने प्रोडक्ट्स यूज करता हूँ, जस्ट ये तीन मीन्स ये फेस वॉश, उसके बाद फेस स्क्रब, फिर उसके बाद ये क्रीम, सो और फिर सुबह के टाइम, और ये फिर शाम को, ये तीन चीज़ें शाम को। तो यार ये है मेरे फेस प्रोडक्ट्स, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से फिर नेक्स्ट वीडियो में, और जिसके क्वेश्चंस का आंसर नहीं देता आई एम सो सॉरी यार, नेक्स्ट क्यू एन ए करूँगा उसमें सबका क्वेश्चंस का आंसर दूंगा, तो यार आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी ना नाराज होना है, तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तो सी यू गाइस, लव यू गाइस, बाय, लव फेस।